अरे हाय फ्रेंड्स, होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका मेरे एक न्यू वीडियो में, और मैं हूं आपका होस्ट सीएमए रोहन शर्मा। एंड आज मैं अपने एक स्पेशल गेस्ट के साथ हूं, उनका नाम प्रिया प्रसाद है एंड सी इज बेसिकली फ्रॉम आसाम। सी हैज कंप्लीटेड हर ऑल सीएमए एग्जाम्स इन वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। ऑल्सो सी गॉट रैंक इन सीएमए फाइनल AIR 44। And apart from this, she has completed her class 12th as a district topper. So many achievements she has, and she also selected in CMA campus in Vedanta. So if you want to achieve success in your life without any failure at any level, then this video is for you. So don't skip any part of this video, watch complete, and don't forget to subscribe my channel. So hi Priya, how are you? Hi Rohan, I am good. And also thank you for this opportunity. Really grateful to be here on your channel. Thank you. Priya, my first question हमेशा ये होता है कि basically हम जैसे आप आसाम से हो, मैं भी बिहार से हूँ, तो हम जैसे मेरे यहाँ है कि जब कोई बच्चा कॉमर्स लेता है तो लोग उसको सपोर्ट नहीं करते, ठीक है? तो आपने कॉमर्स कैसे चूज किया, क्या रीजन था आपका कॉमर्स चूज करने का? मेरे केस में भी इतना सिंपल नहीं था रोहन, अगर मैं बात करूँ तो सिंस मेरे 10th में 9.6 CGPA था, तो मार्क्स अच्छे मिले थे, तो इवन स्कूल के प्रिंसिपल हो या रिलेटिव्स हो, पेरेंट्स हो, सबका था कि साइंस ले ले, इतने अच्छे मार्क्स मिले हैं, नंबर अच्छे। नॉर्मली ऐसा ही होता है, मार्क्स अच्छे हैं तो साइंस ले लो, अदरवाइज कॉमर्स, उससे भी कम है तो आर्ट्स ले लो। बट आई वॉज वेरी श्योर कि मुझे साइंस और आर्ट्स तो नहीं लेना है, और कॉमर्स के टूवर्ड्स मेरा इंक्लाइनेशन पहले से ही था, तो मैं बहुत अपने डिसीजन में फर्म थी कि नो आई वांट टू गो फॉर कॉमर्स ओनली। बट माय पेरेंट्स दे मतलब कन्विंस्ड मी, बट कोई प्रेशर नहीं था, दे वर लाइक तेको जो करना है तो कर, बट वी विल सजेस्ट साइंस ले ले, डॉक्टर बन जाना, बट आई वाज वेरी श्योर सो आई टुक कॉमर्स ओनली। जब आपने कॉमर्स लिया एंड क्लास 11th 12th में आप डिस्ट्रिक्ट टॉपर थे, राइट? सो व्हाट वाज द मोमेंट एट दैट टाइम? अगर मैं बात करूँ तो मेरी लाइफ की अभी तक की वो बेस्ट मोमेंट थी, जब मेरे रिजल्ट्स आए और फिर वो जो एक महीने का पूरा फेज था ना, बेस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ। जब स्कूल से भी जब मुझे अवार्ड दिया गया, पेरेंट्स को बुलाया गया स्टेज में, माय फादर गॉट इमोशनल उस टाइम पे, लाइक 11th 12th, ये दो साल मेरे लाइफ के लाइफ चेंजिंग ईयर्स थे। पता नहीं अचानक से मैं इतना पढ़ाई कैसे करने लग गई, मतलब मैं बहुत ज्यादा डिवोट हो गई थी पढ़ाई के टूवर्ड्स, एंड रिजल्ट भी अच्छा आया, मुझे बहुत मजा आता था पढ़ने में, क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो दैट पीरियड वाज अ गोल्डन पीरियड इन माय लाइफ व्हिच विल नेवर कम बैक। आई नो अब तो स्टूडेंट लाइफ भी खत्म ही हो गई है ऑलमोस्ट, सो आई रियली एंजॉयड एंड आई एम रियली ग्रेटफुल, जो भी था लाइक मैंने मेहनत करी, रिजल्ट मिला मुझे। अच्छा, जब आप डिस्ट्रिक्ट टॉपर किए क्लास 12th में, उसके बाद क्या आपके पेरेंट्स ने आपको आजादी दे दी कि जा प्रिया जी ले अपनी जिंदगी, जो करना है वो कोर्स चूज कर लो, जहाँ जाना है वहां जाके पढ़ाई कर लो? ऐसा भी नहीं था, लाइक पहले तो था कि हम 12th के बाद यहीं आसपास से कहीं जो भी पढ़ना है पढ़ लेंगे, बट सिंस मार्क्स इतने अच्छे आ गए स्कूल टॉप पर, फिर इतने अच्छे मार्क्स हमारे पूरे रिलेटिव्स में, खानदान में कभी किसी के नहीं आए थे, तो माय पेरेंट्स वर फोर्स बाय माय टीचर्स कि इसको आप बाहर भेजो, सिंस मैं तिनसुकिया टाउन से बिलोंग करती हूँ, विच इज वेरी स्मॉल, वहाँ ज्यादा अपॉर्चुनिटीज कुछ है ही नहीं ज्यादा मैं बात करूँ तो माई टीचर्स, माई प्रिंसिपल, दे अल्टीमेटली लाइक मेरे कन्विंस किया मेरे पेरेंट्स को कि उसको आप बाहर भेजो, तो बाहर भेजो तो आसाम से नियर बाई मेट्रो सिटी कोलकाता है, तो फिर उन्होंने मुझे कोलकाता भेजा, तो मेरे मार्क्स ने मेरे पेरेंट्स को फोर्स किया, ऐसा कोई प्लान नहीं था बाहर जाने का, बट मेरे रिजल्ट फोर्स देम टू सेंड मी। सो आप जब कोलकाता गए, व्हेन यू स्टार्टेड फॉर सीएमए और योर ग्रेजुएशन? नो, आई जस्ट वेंट फॉर ग्रेजुएशन एंड just like I informed initially my plan was I'll be doing MBA, so in my first year I had this plan ki I'll be continuing, I'll be doing MBA, so I'll take tuitions for CAT and I'll appear for the exams by third year, but when I was in my second year my plan changed, mere ek friend ko dekh ke, maine mere ek friend hai wo CMA kar raha tha, usne foundation ke liye admission karwaya, to usko dekh ke fir maine bhi CMA mein admission karwa liya apna, so this is how ultimately I chose CMA as my career. जब आपने CMA ज्वाइन किया एंड यू आर आल्सो डूइंग योर रेगुलर ग्रेजुएशन, राइट? ओके, यस।
So how you manage your CMA and your regular graduation? Because many students faces challenges ki sir meri daily classes rehti hai, main kaise CMA karu aur kitna time main CMA ke liye do and graduation. To ye thoda sa aap is part ko aap cover karo jo aapke sath hua apne experience ke basis pe. So main jis college se hu wahan pe morning college tha, wo morning aur day do batches the. So I was from morning batch 6:30 to 10:30, aisa hamara timing tha. तो मैं और हमारे यहाँ अटेंडेंस मैंडेटरी था, अगर 60% से कम अटेंडेंस है तो एग्जाम देने नहीं देते थे, इतना स्ट्रिक्ट था हमारा कॉलेज. सो मैं कॉलेज जाती थी अटेंडेंस मैनेज करने के लिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट कॉलेजेस में ऐसा ही होता है. और उसके बाद फिर मैं ट्यूशंस करती थी, बट अब तो ईजी हो गया है. अब आई विल से कि अब आप सिंस वीडियो क्लासेस है, पेन ड्राइव है, आप मैनेज कर सकते हो. इफ इन योर कॉलेज अटेंडेंस इज नॉट मैंडेटरी, इट्स गुड, आपको फिर जाने की जरूरत नहीं है जस्ट गो फॉर एग्जाम्स. बट अगर है तो स्टिल इट कैन बी मैनेज्ड. वीडियो क्लासेस के आने के बाद तो लाइफ हैज बिकम इजी कंपैरेटिवली. या राइट, बिकॉज पहले वीडियो क्लासेस नहीं होती थी, इनफैक्ट मेरे टाइम में तो और भी नहीं था. ठीक है, सारे ऑफलाइन ही हमें क्लासेस लेने पड़ती थी. उस समय सीएमए के लिए इतने ज्यादा मार्केट में क्लासेस भी नहीं थी, ऑनलाइन फैकल्टीज नहीं थे. आज के टाइम में बहुत सारे सीए वाले फैकल्टी भी आ गए हैं सीएमए वाले बच्चों के लिए, बट पहले नहीं था. तो ये है एक एडवांटेज सिचुएशन है कि आप तो आपने इस तरीके से. अच्छा, आपने सीएमए फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प क्लियर किया, राइट? फिर आपने इंटर भी फर्स्ट अटेम्प क्लियर किया, तो क्या स्ट्रेटजी रही थी आपकी फाउंडेशन और इंटर में? फाउंडेशन मेरे लिए बहुत इजी था, मैं बोलूंगी. शायद ये भी मेरे क्लास 12 में कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा क्लियर थे, तो मुझे मेरे लिए बीकॉम फर्स्ट ईयर और फाउंडेशन मुझे सिमिलर ही लगे 12th के तरह. इट वॉज अ केक वॉक फॉर मी, और मेरे मार्क्स भी काफी अच्छे थे फाउंडेशन में. मैंने अलग से कुछ बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करी थी फाउंडेशन के लिए, बट हाँ इतना था कि मैं जो पढ़ती थी, जो भी पढ़ाई करती थी, वो बहुत अच्छे से करती थी. अगर 2 घंटे पढ़ रही हूँ तो 2 घंटे एकदम मन लगा के. इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि आप लंबे सिटिंग आवर्स दो, बट जब भी बैठो अच्छे से बैठो, इट इज रिक्वायर्ड. तो फाउंडेशन में अगर आप थोड़ा भी मन लगा लेते हो ना, इट्स ईजी कंपेरेटिवली. बट वेन यू कम टू इंटर, लाइक आपको फिर पता चलता है कि नहीं, इतना ईजी भी नहीं है. तो इंटरमीडिएट में तो आई टुक ट्यूशंस फॉर ऑलमोस्ट 6 subjects, आई गेस. हाँ, तो आई टुक ट्यूशंस फॉर सिक्स सब्जेक्ट्स एंड आई गॉट एग्जेम्पशन इन ऑल द 8 subjects. बट मैंने एक एक ग्रुप करके दिया था. ओके, आपने एक एक ग्रुप करके दिया था और आपको ऑल 8 subjects में एग्जेम्पशन है. हाँ, ऑल 8 subjects में एग्जेम्पशन है. तो इंटर वाज चैलेंजिंग, आई लग रही कहीं ना कहीं, तो मुझे लगता है कि फाइनल जितना ही चैलेंजिंग है, इंटर और फाइनल कोई कम ज्यादा नहीं है, इक्वली चैलेंजिंग, बट ठीक है. हाँ, या वन क्वेश्चन आई हैव कि आपको 8 subjects में एग्जेम्पशंस है, राइट? तो आपने कितने टाइम्स रिवीजन किए अपने एग्जाम्स के लिए? 2 to 3 times. मतलब मेरा ये स्ट्रेटजी रहता है नॉर्मली कि इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि आप 4 to 5 times रिवीजन करो, आप 2 बार करो, अच्छे से करो. एक बार ये इतने अच्छे से कर लो कि वो दिमाग में आपके 80% तो बैठ ही जाए. तो सेकंड थर्ड टाइम कर रहे हो तो लाइक इट गेट्स इन योर मेमोरी. तो 2 times मैक्सिमम आई फॉलोड बोथ इन इंटर एंड फाइनल. फाइनल वाज अ डिफरेंट केस, आई विल नॉट कमेंट ऑन इट राइट नाउ, बट फॉर इंटर 2 times. ओके, जब आपकी इंटरमीडिएट कंप्लीट हुई, इट मींस एग्जेम्पशंस आपके सारे सब्जेक्ट में थे, तो आप 60% प्लस ही आपके टोटल नंबर रहेंगे, राइट, आपके इंटरमीडिएट में. सो व्हेन यू एंटर इनटू फाइनल, तो आपको अपनी इंटर्नशिप भी करनी थी, और आपने जैसा मुझे बताया था, आपने 3 companies में इंटर्नशिप किया और सब गवर्नमेंट कंपनीज ही है. तो थोड़ा सा आप अपनी इंटर्नशिप जर्नी के बारे में बताइए कि कैसे आपने स्टार्ट किया था. सो आफ्टर गेटिंग माई रिजल्ट्स इन, आई गेस रिजल्ट्स आते थे तब अगस्त में, तो अगस्त में रिजल्ट आए थे, तो बाय अक्टूबर आई जॉइन माई फर्स्ट इंटर्नशिप, दैट वॉज इन कोलकाता ओनली, वन ऑफ द PSU. सो वहाँ पे मैंने कुछ महीनों तक काम किया. इट वॉज रियली गुड एक्सपीरियंस, फर्स्ट टाइम था. सो विच एवर डिपार्टमेंट आई गॉट, विच एवर सीनियर्स आई गॉट, दे वर वेरी गुड. वहाँ पे मैंने काम किया, और वो भी मैंने जहाँ भी इंटर्नशिप किया सारे इंस्टीट्यूट के थ्रू. इंस्टीट्यूट के पोर्टल में जितने भी वैकेंसीज आते थे मैं वहाँ अप्लाई करती थी. फिर वहां से मेल आए, फिर कॉल्स आए, इंटरव्यू हुए, सब कुछ हुए. तो बहुत बार लोगों को लगता है कि हम अप्लाई कर रहे हैं बट हो नहीं रहा है. इट मे टेक टाइम, इट टेक्स टाइम, बट ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, होता है. आफ्टर आई जॉइन माई फर्स्ट इंटर्नशिप फर्स्ट कंपनी, आई स्टार्टेड गेटिंग कॉल फॉर डिफरेंट कंपनीज ऑल्सो. सो व्हेन आई वाज इन माई फर्स्ट कंपनी, उसके बाद ही कोविड आ गया.
सो व्हेन कोविड केम दे टोल्ड ट्रेनीज को आने की जरूरत नहीं है अब, सिंस उनको भी इतने लोग को बुला नहीं सकते, तो उन्होंने फिर बंद कर दिया था ट्रेनीज का आना. तो देन दैट टाइम ओनली आई गॉट ऑफर फ्रॉम अनदर कंपनी, सो आई ज्वाइन दैट PSU. तो इस तरह मैंने दो PSUs में इंटर्नशिप कर ली, एक पोस्ट कोविड, प्री कोविड एंड पोस्ट कोविड. तो कोविड की वजह से दो जगह हो गया था मेरा, एंड थर्ड तो मैंने फाइनल एग्जाम देने के बाद चालू किया था. That is also a different story which I told you. Yeah, right. मुझे लगा था मैं फेल हो जाऊंगी इसीलिए. अच्छा, जब आप ट्रेनिंग कर रहे थे साथ के साथ आप अपने फाइनल की स्टडी भी कर रहे थे, राइट? हाँ, ट्यूशंस वगैरह चल रहे थे तब. So, आप कैसे मैनेज करते थे अपने फाइनल की स्टडी, क्योंकि आप क्लासेज, आपने फाइनल में सारे सब्जेक्ट की क्लासेज ली थी या फिर इंटर की तरह कुछ सब्जेक्ट की क्लासेज लिया, कुछ बाय सेल्फ किया? पांच से छह सब्जेक्ट की क्लासेस ली थी मैंने फाइनल में. ओके, एंड रेस्ट टू और थ्री सब्जेक्ट यू हैव डन बाय सेल्फ. सो लाइक कि क्लासेस का ड्यूरेशन काफी होते हैं, राइट? 180 आवर्स, 200 आवर्स की क्लासेस होती है, बट आपको अपनी ट्रेनिंग भी करनी है, तो आपने कैसे मैनेज किया था? वो फेज मेरा बहुत ही हेक्टिक फेज था. सो मेरा उस टाइम पे रूटीन होता था, आई विल वेक अप बाय 5, देन आई विल रीच माय, आई विल लीव माय हॉस्टल बाय 5:30 एंड आई विल रीच माय कोर्स. कॉस्ट के लाइव क्लासेस करती थी मैं कॉस्ट में सतीश जलान सर से, तो मैं उनके सेंटर पहुंच जाती थी 6:30 तक. दूर था मेरे हॉस्टल से, तो एक घंटा तो ट्रैवल करने में लगता था. तो वहां पे ट्यूशन शुरू हुए, वहां ट्यूशन 3-4 घंटे चलते थे कॉस्ट की क्लासेस. तो कॉस्ट मैंने लाइव करा है, तो 10 बजे वहां खत्म होता था क्लास. फिर वहां से निकल के 10:30 था मेरा इंटर्नशिप कंपनी का टाइमिंग. वहां से निकल के बीच में ब्रेकफास्ट कर लिया, फिर कंपनी इंटर्नशिप कंपनी में चले गए. फिर वहां से 6 बजे निकले, फिर रूम पहुंचे, फिर शाम को एक वीडियो क्लास कर लिया. तो दिस वाज माय जर्नी. सुबह में लाइव कॉस्ट करती थी, शाम को SFM. तो ऐसे दो दो करके मैंने जब तक ट्रेनिंग कर रही थी तब तक मैंने क्लासेस खत्म किए. ओके, ग्रेट. सो आप फाइनल आप बोथ ग्रुप के लिए गए थे, राइट? हाँ. तो आपने, आपका रैंक भी आया था, सो आपने कुछ अलग से पहले से प्रिपरेशन किया था कि आप रैंक के लाना है, या माइंड में नहीं था कि बस फाइनल फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर करना है? क्या थॉट्स था आपका पहले एग्जाम से पहले? जो भी सोचते हैं कि वो दो ग्रुप देंगे, रैंक उनके माइंड में रहता ही है, हमेशा रहता है. जो बोलते हैं कि नहीं रहता है तो वो झूठ बोलते हैं. तो रैंक हमेशा सबके दिमाग में रहता ही है. तो मेरा इंटर में ही था, सिंस मैंने इंटर में एक ही ग्रुप दिया था, तो मुझे बहुत रिग्रेट फील हुआ कि यार दोनों साथ में दे देना था. तो आई वाज श्योर कि फाइनल में तो दो ग्रुप ही देने हैं साथ में, और बैक ऑफ द माइंड रहता ही है कि इतने अच्छे से करूँ कि क्या पता रैंक आ जाए. रैंक लाना ही है ऐसा नहीं होता, बट एवरीवन होप्स फॉर इट. तो मेरा भी वही था, मैंने वैसे ही अच्छे से करी, बहुत मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाले कंपेयर टू इंटर. रिवीजन यहाँ पे क्या था आपका? लाइक आपने जैसे इंटर में आपने बताया 2-3 times आपने रिवीजन किया था, सो फाइनल में आपने कितने टाइम्स रिवीजन किया, और कितने मंथ पहले आपने रिवीजन स्टार्ट कर दी थी फाइनल की अपने पेपर से? सिंस मेरा फाइनल वाला जो मैंने एग्जाम दिया वो कोविड के बाद का जो पहला एग्जाम हुआ था सेंटर बेस्ड, वो वाली बैच से हूँ मैं. तो वहां तो मैं कमेंट ही नहीं कर सकती कि मैंने कितने बार रिवीजन करे, क्योंकि एग्जाम मेरे जून टर्म में थे. जून से डेफर सितंबर, अक्टूबर, फिर दिसंबर, और दिसंबर में भी नहीं होकर जनवरी में एग्जाम दिया मैंने. तो कितने बार तो मेरे एग्जाम्स डेफर हुए मुझे नहीं पता. तो उस एक तो पॉइंट ऐसा था कि मैंने पढ़ना ही छोड़ दिया था, मुझे लगा था कि अब मेरे एग्जाम होने ही नहीं वाले इस साल. तो दो तीन मैंने बीच में 1.5 महीने का ब्रेक भी लिया है कि मैं फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी जब इतना कुछ चल रहा था इंस्टीट्यूट में, बहुत कुछ ऊपर नीचे हो गया था उस टाइम. तो मैं तो 1-2 महीना पढ़ाई भी छोड़ दिया था मैंने, बट फिर नहीं, मैंने सोचा कि ऐसे नहीं छोड़ सकते, ऐसे नहीं कर सकते, इतने साल जब मेहनत किया है. तो फाइनल में मेरा एक ही स्ट्रेटेजी था कि जितना भी करूँ सब कुछ कवर करके जाऊँ 100% और अच्छे से प्रैक्टिस करके जाऊँ. और थ्योरी के लिए मेरा स्पेशली लॉ के लिए था कि मैं डेली सुबह उठ के 3 hours लॉ को देती थी, 3 hours डेली, इरेस्पेक्टिव कि मैं पूरे दिन भर में क्या करती हूँ, पढ़ती हूँ नहीं पढ़ती हूँ, दैट इज अ डिफरेंट केस. बस सुबह मैं डेली 3 hours करती थी लॉ. तो उससे लॉ मेरा धीरे धीरे अपने आप ही हो गया था, अलग से मुझे लॉ के लिए उतना सोचना ही नहीं पड़ा था. 3 hours एवरीडे मॉर्निंग. ग्रेट. मेरा भी स्टूडेंट को यही सजेशन रहता है कि आप थ्योरेटिकल सब्जेक्ट को डेली टाइम जरूर दो. हाँ. अच्छा, आप एक चीज और मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि जब हम फाइनल का बोथ रूप या इंटर का बोथ रूप जब भी हम देते हैं, 8 days कंटिन्यू पेपर्स होते हैं,
एंड रिवीजन करने के लिए मैक्सिमम यस आपके पास 10 आवर्स से ज्यादा होता नहीं है एक सब्जेक्ट का रिवीजन करने के लिए। तो वो 8 डेज का स्ट्रेस कैसे आपने मैनेज किया? आपने एक इंसिडेंस भी आपने शेयर किया था, तो जब कोई पेपर बेकार चला जाए तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए उस समय, आप ये जरूर शेयर करें बच्चों के साथ। ठीक है। तो वो 8 डेज एग्जाम देना, एग्जाम देने से ज्यादा मुझे लगता है कि कोई बच्चा अगर 8 दिन वो स्ट्रेस मैनेज कर लेता है ना, तो वो अपने आप में एक अकम्प्लिशमेंट है। वो बहुत डिफिकल्ट होता है। जो मैंने इंटर में, तो मैंने एक ही ग्रुप ही दिया था, तो उतना मुझे पता ही नहीं चला। बट फाइनल में दैट रियली लाइक टुक अ टैक्सिंग टोल ऑन माई हेल्थ ऑल्सो। जैसे मैंने आपको बताया था, मैं बीमार हो गई थी लास्ट के 2 दिन, सिंस मेरा सेंटर भी उतना दूर था। और अगर मेरा एग्जाम खराब हो जाए बीच में तो क्या करना है? फर्स्ट तो मेरा ये टिप होगा कि आपको हमेशा से ये ध्यान रखना है कि मुझे अल्टीमेटली, मैं जो भी पढ़ाई कर रही हूँ वो मुझे डिलीवर करना है उस 8 दिन में। तो उस 8 दिन की तैयारी तो डे वन से करके चलनी है, कि मैं वो एक 10 घंटे 8 घंटे जो भी है मेरे पास, उसमें मैं क्या रिविजन करूंगी, मेरे पास क्या होने चाहिए नोट्स, मुझे, मेरे पास टाइम लिमिटेड है, सिलेबस तो समंदर जितना है, तो मुझे क्या क्या कवर करना है, उसकी तैयारी आपको डे वन से करनी है। वो अल्टीमेटली, क्योंकि अल्टीमेटली वहीं पे आप डिलीवर करोगे तो आप डिलीवर कर रहे हो, अदरवाइज नहीं होता है फिर। तो उसकी तैयारी मैंने डे वन से की थी। अब तैयारी कैसे करी? तो समरी नोट्स है, चार्ट्स है, जीएसटी में तो टीचर्स ही दे देते हैं, टैक्सेशन में डीटी हो या जीएसटी हो, चार्ट्स को फॉलो करो, ऑडियो नोट्स बनाओ। मैंने लॉ में काफी ऑडियो नोट्स बनाए थे, खुद से रिकॉर्ड किए थे और उसको मैं सुनती थी नाश्ता करते वक्त, कुछ भी टाइम पास कर रही हूँ तो वो ऑडियो नोट्स सुनती थी। वो दैट वॉज वेरी हेल्पफुल। और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में क्या करती थी कि क्वेश्चंस मार्क करके रखती थी, कि जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझे एग्जाम्स के पहले देखने हैं उसको आई यूज टू मार्क। और उसके जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो उसमें है, फॉर्मूला है, सारे फॉर्मूला एक जगह लिख के रखा था मैंने, चिपका दिया था अपने बेड के पास, सोते टाइम उसको ही देखती थी कि हाँ ये फॉर्मूला है। तो वो फॉर्मूला रट गए थे मुझे दिमाग में कहीं ना कहीं, उसको देख देख के। और अगर हाँ बीच में कोई एग्जाम खराब हो जाए, जैसे कि हमारा फर्स्ट पेपर CFR होता है, तो मैं CFR का पेपर दे के आई थी। और अगर किसी को याद होगा कि उस टर्म में CFR पेपर बहुत गंदा, मतलब गंदा एज इन आप अपना सिलेबस टर्म से भी बाहर आ बता दो, गया था। बिकॉज अभी तक हमने आपका टर्म का डिस्कस नहीं किया कि आप किस टर्म में पास हाँ, आउट दिसंबर हुए। 21 टर्म, दिसंबर 21 टर्म, दिसंबर 21 है, दिसंबर 21 टर्म। तो उस टर्म में ना CFR का पेपर बहुत ही खराब आया था। अगर हम सिलेबस में, मेरे इन डे एस है, तो क्वेश्चंस अमलगमेशन की AS से आए थे, तो CFR जिन्होंने भी अपियर किया वो रिलेट कर पाएंगे। इट वॉज लाइक अ नाइटमेयर CFR का एग्जाम। और वो पहला पेपर होता है, पेपर नंबर 13। तो वो एग्जाम दे के आने के बाद ना आई वॉज लाइक कि मैं इसमें पक्का फेल होने वाली हूँ। तो अगला पेपर एसेप्टम था, तो उसके लिए रिविजन करने की हिम्मत ही नहीं थी मेरे अंदर। मैं आके रूम भी वही सोच रही हूँ कि एग्जाम इतना खराब गया, मैं आज तक कभी फेल नहीं हुई, मैं फेल हो जाऊंगी। तो उस ट्रॉमा से मैं बाहर नहीं निकल पा रही थी। बट आई लाइक टू मेंशन, अगर जितने भी CMA फ्रेटर्निटी में बच्चे हैं वो सब जानते होंगे CMA बलविंदर सिंह सर को, तो मुझे अब अच्छे से याद है वो इंसिडेंट। मैं एग्जाम दे के आई, वही सोच रही हूँ बैठ के पेपर के बारे में। फिर रात को 10:30-11 बजे मैंने सर से बात करी। मैंने अपने अंदर का पूरा फ्रस्ट्रेशन सर को बोल दिया कि सर देखो पेपर ऐसा आया था जो कि आना नहीं चाहिए था, बच्चे बहुत सफर कर रहे हैं, आप बताओ हमारी क्या गलती है इसमें, मैं कभी फेल, मतलब मैंने पूरा सब कुछ उनको बोल दिया। फिर उन्होंने मुझे बहुत काम डाउन किया कि देखो बच्चे ऐसा होता है, हमारे टर्म में भी हुआ था। अब उस पेपर में क्या होगा क्या नहीं आपके हाथ में नहीं है, बट आपने जो इतनी पढ़ाई करी है वो तो आपको डिलीवर करना है ना 6 डेज 7 डेज में। तो उन्होंने मुझे बहुत समझाया, तो फिर मुझे लगा कि ठीक बोल रहे हैं सर, तो मैं सो गई। तो अगले दिन सुबह उठ के 4 घंटे जो भी मैंने रिविजन किया SFM में से, उतना ही रिविजन करके मैं गई। तो अल्टीमेटली इसे सीखने को यही मिलता है कि पेपर आपका एक दिन कैसा, सेम डे का पेपर जैसा भी जाए, आप जब ट्रैवल कर रहे हो अपने घर तक पहुंच रहे हो ना, तो उस बीच में ही उसको वहीं छोड़ के आ जाओ, उसको घर तक लेके मत जाओ कि आपका वो एग्जाम कैसा गया, अच्छा गया तो भी, अच्छा नहीं गया तो भी, क्योंकि अल्टीमेटली आपको आगे के एग्जाम्स देने हैं। तो बट एक ही टिप है कि उसको वहीं तक छोड़ के आओ, दोस्तों से किसी से डिस्कस मत करो कि पेपर ऐसा आया वैसा आया, एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे ना तब डिस्कस कर लेना जितना डिस्कस करना हो। मैं एक चीज ऐड ऑन करना चाहता हूँ। प्रिया का जो सेंटर था वो अपने घर से 50 किलोमीटर 50 किलोमीटर डिस्टेंस पे था। 1.5 घंटे से ज्यादा टाइम आपको लगता था पेपर देने जाने में, और सेम टाइम आने में भी लगता था। प्लस प्रिया को फीवर भी हो गया था 2 पेपर में, ठीक है, और फिर भी ऑल इंडिया रैंक 44 आया है। तो देखो चैलेंजेस लाइफ में बहुत आते हैं, ठीक है, आपको चैलेंजेस से डरना नहीं है, आपको उनको फेस करना है। अगर आप फेस करोगे तो आपको रिजल्ट उसका जरूर अच्छा मिलेगा। तो प्रिया जब आपका रिजल्ट आया
तो वो मोमेंट जब आप रिजल्ट चेक कर रहे थे तो कैसा था आपके लिए? मैं तो जब पता था कि रिजल्ट आने वाला है, मैं तो 100% श्योर थी कि मैं पास नहीं होने वाली हूँ। इस सेंस में पास, मुझे श्योर थी कि मैं पास नहीं होने वाली हूँ, इसलिए मैंने इंटर्नशिप भी ज्वाइन कर ली थी कि 6 महीने और लगने हैं, अगला टर्म देना है, तो फिर 6 महीने क्यों वेस्ट करूँ, कुछ ज्वाइन कर लेती हूँ। तो मैंने इंटर्नशिप भी ज्वाइन कर लिया था, यहाँ तक कि मैं इतनी श्योर थी कि मैं पास नहीं होने वाली हूँ सिर्फ CFR की वजह से। तो जब रिजल्ट आया, सबसे पहले मैंने देखा पास या फेल नीचे लिखा रहता है, तो पास था, तो चलो वो पहले एक शॉक था। फिर मैंने CFR का मार्क्स देखा, 43-44 ऐसे कुछ था, वहां देखा चलो पास हो गई, फिर खुशी मिली कि चलो पास तो हो गई। फिर बाकी दोस्तों से बात करी, घर पे बताई, खुशी मिली। पर जब मैंने अपने परसेंटेज कैलकुलेट किया ना कि 800 में से इतना है तो कितना परसेंट आया, और जब वो फिर देखा तो यार बहुत कम था। फिर मेरे को लगा इतना कम, तो सिंस मैं हमेशा से मेरे अच्छे मार्क्स आए हैं, तो मेरे लिए वो थोड़ा सा अजीब था। बट फिर जब देखा कि रिजल्ट ही इस टर्म का ऐसा है, AIR 1 ही 60-61% पे बैठा है, तो मैं समझ गई कि इस टर्म में रिजल्ट कैसे है। पास होना ही बहुत डिफिकल्ट है इस टर्म में। तो उसके बाद फिर नॉर्मल हो गया कि चलो ठीक है। फिर रैंक लिस्ट तो 3 घंटे बाद आए, मेरे एक दोस्त ने बताया कि रैंक लिस्ट में तेरा नाम है, तो मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ, मुझे लगा प्रैंक कर रहा है। फिर तो उसने स्क्रीनशॉट भेजा, तो फिर मैंने पापा को बताया, पापा बहुत खुश हुए। उसके बाद तो अलग ही स्टोरी है, फिर कॉल्स आना, मैसेजेस आना चालू हो गए टीचर्स के, सबके। तो सरियल मोमेंट। तो आप जब आपने पापा को कॉल करके बताया, क्योंकि फैमिली मम्मी पापा का हमेशा ब्लेसिंग होता है बच्चों के ऊपर, तो उनका फीलिंग कैसे था कि उन्होंने आपको कोलकाता भेजा पढ़ने के लिए एंड आपने ऑल इंडिया रैंक CMA के एग्जाम में अचीव किया, तो हाउ वाज देयर फीलिंग्स? मेरे से ज्यादा तो मेरी मम्मी खुश थी। लाइक अगर मुझे 10 कॉल आ रहे हैं, तो मम्मी को 50 कॉल आ रहे थे। वो पहले सामने से सबको कॉल करके बोल रही थी कि प्रिया का रिजल्ट आ गया, प्रिया ने रैंक अचीव किया, ये किया। उसमें पूरा मम्मी ने एक एक जन को फोन करके बोला, मम्मी बहुत खुश थी। और पापा का था कि पापा ने मुझे सिर्फ एक लाइन बोला था, प्राउड ऑफ यू बेटा, ये एक लाइन था उनके मुंह से। 2 बार सुना मैंने, एक 12th के रिजल्ट में और भी एक फाइनल के रिजल्ट में। तो वो मोमेंट तो मैं कभी भूल ही नहीं सकती, इट वॉज वेरी स्पेशल। और मेरी फैमिली में बहुत अलग खुशी का माहौल था, पूरे मिठाई बंटवाना पूरे मोहल्ले में, लाइक बहुत ही सरियल सीन था वो मोमेंट भी वापस दोबारा नहीं आएगा आपके लाइफ में, वंस इन अ लाइफ टाइम मोमेंट है। राइट राइट राइट। सो प्रिया, अब आपके पास एक न्यू चैलेंज था कि आपको कैंपस में पार्टिसिपेट भी करना है और एक अच्छा जॉब भी लेना है, राइट? तो आपने कैंपस की तैयारी कैसे स्टार्ट की एंड देन आपने वेदांता में आपका सिलेक्शन कैसे हुआ? कैंपस के लिए तैयारी करने के लिए 2 ऑप्शन है। एक तो अगर आपको लगता है कि यू आर कॉन्फिडेंट इनफ इंटरव्यू में, आपने पहले इंटरव्यूज दिए हैं, आपका थोड़ा बहुत वर्क एक्सपीरियंस भी है इंटर्नशिप के फॉर्म में, आप पहले कहीं भी काम करा है आपने, तो आप थोड़े कॉन्फिडेंट होते हो। तो अगर आप बस इंस्टीट्यूट का PPOT जो प्रोग्राम होता है प्री प्लेसमेंट, वो अगर अच्छे से कर लेते हो, तो आई थिंक इट विल बी सफिशियंट। बट ऐसे भी बच्चे होते हैं CMA में जो उन्होंने ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, 6 महीने काम कर लिए, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, अंडर कॉन्फिडेंट है बोलने में, इंटरव्यू में बोलने में उनको डर लगता है। तो बहुत सारे आप भी करवाते हो ट्रिप प्रिपरेशन फॉर इंटरव्यूज, तो दैट इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल। बहुत सारे यूट्यूबर्स है, बहुत सारे टीचर्स है, तो मैंने भी बहुत रिसर्च किया था, 2-3 टीचर्स को देखा था, बट सारे ऑनलाइन थे। कोलकाता में लाइव तो कुछ नहीं हो रहा था और मुझे लाइव ही करना था, तो फिर लास्ट में मैंने सोचा कि मैं खुद ही कर लेती हूँ। तो अल्टीमेटली मैंने अलग से कुछ तैयारी नहीं करी थी, जो इंस्टीट्यूट में उन्होंने करवाया था 12 डेज का प्रोग्राम, उसको अच्छे से अटेंड किया। उसके अलावा खुद यूट्यूब के वीडियोस देख देख के, बहुत सारे वीडियोस देखे थे, आपके भी वीडियोस देखे थे, कुछ कुछ मोटिवेशन वाले, अलग अलग लोगों के जर्नी के बारे में बनाया था आपने, तो उससे भी बहुत हेल्प मिला। तो वीडियोस के हेल्प से ही मैंने, यूट्यूब के हेल्प से ही किया था मेजर पार्ट। या मैंने बहुत सारी CMH कैंपस प्लेस्ड स्टूडेंट्स की स्टोरीज रिकॉर्ड कर रखी है, तो अच्छा लगा मुझे सुन के कि वो सारी वीडियोज बच्चों को हेल्प कर रही है। इनफैक्ट आपकी वीडियोज भी बच्चों को हेल्प करेगी, अभी वेदांता का इंटरव्यू होने वाला है कैंपस हाँ, मुझे लिंक्डइन पे मैसेज आना चालू हो गए। में, तो ये चीजें। तो फिर आपका जब वेदांता में शॉर्टलिस्टिंग हुआ, देन उनका किस तरीके से था? आपका GD राउंड हुआ, देन पर्सनल इंटरव्यू, या कैसा था? हाँ, वेदांता का ऐसा ही रहता है, पहले GD होता है फिर PI होता है। बट सिंस वेदांता का क्राइटेरिया ही उनका थोड़ा अग्रेसिव होता है, लाइक 60% थ्रू आउट इन 10-12 ग्रेजुएशन फर्स्ट अटेम्प्ट इन ऑल, फिर वो शॉर्टलिस्ट करते हैं। राइट तो हमारे कोलकाता कैंपस में क्या हुआ था, मैं कोलकाता कैंपस से अपियर किया था मैंने,
तो वहां पे उन्होंने शॉर्टलिस्ट सिर्फ 6 या 7 जन को किया था हमारे टर्म में, तो सिर्फ 6 जो 7 जन ही थे, तो उन्होंने जीडी नहीं करवाया कोलकाता कैंपस में। बट अगर मैं दिल्ली चेन्नई कैंपस के लिए बात करूँ ना, तो वहाँ जीडी हुआ था, तो जीडी उन्होंने ऑनलाइन करवाया। जीडी होने के बाद फिर जितने ही बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया, फिर इंटरव्यू कैंपस वाले दिन था, जीडी पहले ही हो गया था, और इंटरव्यू भी हमारे टर्म में ऑनलाइन ही हुआ था, बट अब मैंने सुना है कि ऑफलाइन चालू हो गया है। या राइट ऑफलाइन हो रहा है। तो आपसे इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चंस उन्होंने पूछे बेसिकली? मेरे टर्म में तो क्वेश्चंस लाइक जो हमने पढ़ाई किया है SFM कॉस्ट वही सब अच्छा, मतलब बेसिक क्वेश्चंस थे, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं थे, कॉस्ट के थे, अकाउंट्स के थे और SFM के थे। हम अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, आपको पता है कि किस चीज का फॉर्मूला ऐसा क्यों है, तो आपके लिए इजी होगा, आप आराम से बोल दोगे। बट अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आपने अगर बस मगअप कर लिया था, तो आपको फिर इंटरव्यू के पहले प्रिपरेशन करना होगा अच्छे से। बट इट वॉज इजी, इट वॉज नॉट दैट डिफिकल्ट, बट ऑल्सो इट डिपेंड्स कि आपका इंटरव्यू कौन ले रहा है। मेरे टाइम पे जो भी थे सर, उनका क्वेश्चन लेवल उतना डिफिकल्ट नहीं था, तो मैंने अच्छे से बोल दिया था, वो हो गया था अच्छे से। ऐसा मत बोलो, सर ने अगर वीडियो देख लिया तो गुस्सा हो जाएगा तुम पे। राइट सर को याद भी नहीं होगा उन्होंने किसका इंटरव्यू लिया होगा। राइट, वो बहुत सारे लोग का इंटरव्यू लेते रहते हैं। तो प्रिया, हाँ जब आपके पास वेदांता से ऑफर लेटर आया, आई थिंक पैकेज उसमें 14 लाख समथिंग का उन्होंने ऑफर किया था, राइट? 14.45 या 14.45 का पैकेज जब आपके पास ऑफर लेटर आया, तो वो मोमेंट भी बहुत स्पेशल रहा होगा आपके लिए, क्योंकि लाइफ में फर्स्ट टाइम आप जॉब करने जा रहे हो और आप इतने बड़े लेवल से आप स्टार्ट कर रहे हो। तो कैसा था वो मोमेंट आपके लिए? वो तो ऑब्वियसली बहुत ही डिफरेंट मोमेंट, मतलब बहुत ही अमेजिंग था। फर्स्ट जॉब सबके लिए स्पेशल होता है, चाहे वो कैसा भी कितना भी पैकेज हो, वो मैटर नहीं करता। फर्स्ट जॉब इज ए फर्स्ट जॉब, उसको आप कंपेयर ही नहीं कर सकते। तो बहुत ही अच्छा मोमेंट था जब ऑफर लेटर मिला, सब कुछ हुआ कि हाँ अब आप फाइनल फाइनली सिलेक्ट हो गए हो वेदांता में। तो इट वाज वेरी गुड, आई वाज वेरी एक्साइटेड टू ज्वाइन। बट हमारा लोकेशन, हमारी ज्वाइनिंग बहुत लेट हुई थी, तो एक पॉइंट पे तो हमें ऐसा लगा था कि वेदांता भूल गई है हमको बुलाना। उसने इंटरव्यू ले लिया है, शॉर्टलिस्ट कर लिया, वो बुलाना भूल गई है CMS को, क्योंकि उनके हमारे सेम बैच के CAs की ज्वाइनिंग हो गई थी, CMS की ज्वाइनिंग नहीं हुई थी, 1.5 महीने बाद हुई ज्वाइनिंग। तो बीच में तो ऐसा डर भी लगता है कभी कभी, बहुत सारे बच्चों के साथ होता है, मैंने देखा है बहुत सारे मैसेज आते हैं कि मैम हमारा इंटरव्यू हो गया, सिलेक्शन हो गया, बट अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई, कुछ कम्युनिकेशन ही नहीं है। बट ऐसा कभी नहीं होता कि आपका इंटरव्यू हो जाए, आप सिलेक्ट हो जाओ और ज्वाइनिंग ना हो। ज्वाइनिंग होता ही है, टाइम लग सकता है, तो थोड़ा पेशेंस उस टाइम रखना होता है। सो ज्वाइनिंग आपकी थोड़ी डिले हुई, तो आपने अपने कुछ विशेष फुलफिल किए कि आपने जब CMA कर रहे होंगे तो आपके भी कुछ विशेष रहे होंगे कि मैं जब जॉब करूंगी अपने फर्स्ट सैलरी से ये खरीदूंगी, ऐसा खरीदूंगा, वैसा खरीदूंगा, ऐसा होता है बहुत सारे लोगों का। तो आपके भी कुछ विशेष थी, आपने फुलफिल किया? ऐसा तो होता है, बट मेरा ऐसा कुछ नहीं था कि फर्स्ट सैलरी से कुछ ऐसा लेना है। बस इतना था कि जो भी है फैमिली को सपोर्ट करना है, सिंस मैं सबसे एल्डेस्ट हूँ अपने भाई बहनों में, तो मुझे था कि आई हैव टू सपोर्ट माई फैमिली। तो जो अभी भी मैं कर रही हूँ, तो वो सपोर्ट कर पाना, उतना कंट्रीब्यूशन दे पाना, दैट मेक्स मी हैप्पी कि उतनी मैं अभी एबल हो गई हूँ कि मैं उतना कर सकती हूँ, जो कि पहले तो पॉसिबल नहीं था इतना। अब मैं पापा को सपोर्ट कर सकती हूँ, तो इट रियली मेक्स मी हैप्पी। ये तो बहुत अच्छी बात होती है कि आप अपने पेरेंट्स, अपने घर वालों को सपोर्ट करो, बिकॉज आज जो कुछ भी मैं हूँ या आप हो, अपने पेरेंट्स की वजह से हो, तो हमेशा उन्हें सपोर्ट करना डेफिनेटली चाहिए। दैट्स ग्रेट थिंग कि आप अपने फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, ग्रेट। एंड आप बच्चों को क्या लास्ट सजेशन देना चाहते हो अपनी जर्नी से? बस 2-3 टिप्स देना चाहूंगी कि देखो जब भी पढ़ाई करो ना, बहुत अच्छे से करो, बहुत मन से करो। मैंने अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को देखा है कि वो अभी भी स्टक है, तो वो पूछते हैं कि यार देख एज होती जा रही है, मैं स्टक हूं, तो मैं जॉब ज्वाइन कर लूं क्या। बट मुझे लगता है ना कि आपका फर्स्ट प्रायोरिटी एग्जाम्स लेके क्लियर करना ही होना चाहिए। अगर आप एक बार जॉब में घुस जाते हो ना, कोई भी पार्ट टाइम जॉब, तो वो कहीं ना कहीं आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, फिर एग्जाम आप उतने अच्छे से नहीं दे पाते हो, या फिर आप और डेफर करते जाते हो। तो अगर आपने सोच लिया है ना कि ये करना है, ये डिग्री चाहिए, तो उस पर अपना 100% दो, वो क्लियर कर लो, फिर आपको जो करना है आप करो। मेरे लिए मे भी बोलना ईजी है, इट मे डिपेंड सिचुएशन टू सिचुएशन में, बट मेरा एडवाइस तो यही रहेगा। और CMA एक ऐसी डिग्री है ना विच कैन चेंज योर लाइफ, अगर आप उसको अच्छे से यूज करते हो, इट कैन चेंज योर लाइफ। मेरी कंपनी में बता रही हूँ वेदांता में, यहाँ पे CA CMA MBA पूरा डाइवर्स डाइवर्स है, यहाँ हर तरह की प्रोफेशन से लोग हैं। तो
तो यहाँ पे सीएमएस का रेपो इतना अच्छा है ना, ऑल द सीएमएस दे हैव वर्क्ड सो गुड हियर, अच्छे अच्छे रोल में इतना अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है कंपनी में। तो बाहर जब हम बच्चे होते हैं तो हम सोचते हैं कि यार पता नहीं स्कोप है कि नहीं, आगे क्या होगा, बट एक बार आप ज्वाइन करो कॉर्पोरेट वर्ल्ड देन यू विल गेट टू नो कि सीएमएस आर रॉकिंग इन देयर वर्ल्ड। मतलब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में उनका बहुत अच्छा नाम है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो होते हैं टैलेंटेड और डिग्री इज अ सेकेंडरी फैक्टर, आप कैसा काम कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो डू नॉट डाउट ऑन योर डिग्री, वर्क फॉर इट, आप अच्छा करो, सीएमए डिग्री विल पे फॉर यू, आपका हार्डवर्क कभी भी वेस्ट नहीं जाता है, उसके लिए अच्छे से मेहनत करो। बाकी टिप्स देने के लिए तो कितने लोग हैं, आपके सर है रोहन जी, वो आपको हेल्प करेंगे, ऐसे कि आप उनके वीडियोस देखो, जब भी मोटिवेशन की कमी हो उनके वीडियोस देखो। मैं भी यही करती थी फाइनल के टाइम में, मोटिवेशन हमेशा रहना चाहिए, सेल्फ मोटिवेशन रहना चाहिए, अच्छे से एग्जाम्स, तो दैट्स ऑल, ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। थैंक्स प्रिया। थैंक यू रोहन, थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी।